एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट होटल वाला पनीर। हम जब भी होटल और रेस्टोरेंट में पनीर खाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है वो पनीर। वही सेम रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे खास बात ये है, इस पनीर को बनाने के लिए कोई भी आपको स्पेशल इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत नहीं है। किचन में जो हमारे पास इन्ग्रीडियंट है उसी से ही ये रेसिपी बनाएंगे। और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है, पनीर का टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पनीर जिसको ट्रायंगुलर शेप में कट किया है, आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। इसको हमें एक मैरिनेट करना है। और बाउल में लिया है मैंने दही और उसमें ऐड किया है दो छोटी चम्मच बेसन। तो हम एक पेस्ट तैयार करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। फिर इसमें जाएगा नमक, नमक हल्का ही डालना है। फिर इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ और उससे पहले आधा नींबू का रस इसमें डाला है, थोड़ा चटपटा टेस्ट भी आएगा पनीर में। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा, जब हम पनीर इसमें मिक्स करेंगे तो पनीर के ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इन मसालों की। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 बूंद तेल जाएगा इसमें बस। मिक्स कर लिया है इसको और इस तरह से थिक पेस्ट बनाना है, इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। अब अपने हाथ से ही इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कर दीजिए। ये देखिए बहुत हल्के हल्के हाथों से इसकी कोटिंग करनी है। पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो फिर आप इसको बहुत ही आहिस्ता, बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी कोटिंग करें, पनीर टूटना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे आराम से इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हमने कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसे ढककर रख देते हैं करीब 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के अंदर जो मसाले हमने डाले हैं उनकी कोटिंग और उसका जो भी फ्लेवर है इस पनीर के अंदर आ जाएगा। तो 30 मिनट के बाद देखिए पनीर के ऊपर मसालों की अच्छे से कोटिंग हो चुकी है और ये मैरिनेट हो चुका है। तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए बस इतना ही। इसे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है वरना पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत हल्का सा ब्राउन कलर आया है, काफ़ी अच्छे तरीके से पनीर फ्राई भी हो चुके हैं। अब कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल रखेंगे। इसमें हमने डाला है तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 छोटी इलायची या 1 बड़ी इलायची भी आप डाल सकते हैं। इसे हल्का भून लेंगे, हल्का ये जब फ्राई हो जाए थोड़ा, आप चाहें तो मसाले अब इस वक्त निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रेवी में भी रखेंगे इसे तो अच्छा ही टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसमें डाला है प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है एक, और इस तरह से इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसे बहुत अच्छे से भूनना है, इसका कच्चापन ग्रेवी में नहीं आना चाहिए। प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे इस तरह से, जब तक इसमें ब्राउन कलर आ जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्योरी, 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है और इस तरह से पेस्ट बनाकर इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से पका लेना है, ढककर 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और टमाटर अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब इसमें कुछ ड्राई पाउडर मसाले जाएंगे, वही बेसिक मसाले। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालना है। फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, ये
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखा नहीं होता है और सब्जी में बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाला है ये काजू का पेस्ट। ये 4 से 5 काजू को मैंने भिगो कर रखा था और फिर इसका पेस्ट बना लिया है। इससे क्या होगा, एक तो ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी टेक्सचर होता है वो भी आएगा। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा, करीब 1/4 कप पानी जाएगा इसमें। इसकी जो ग्रेवी है बहुत पतली नहीं होगी, थोड़ी थिक और क्रीमी ग्रेवी इसकी बनेगी। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक देखिए बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब हमने पनीर को मैरिनेट किया था तब भी उसमें नमक डाला था और ग्रेवी में भी नमक डालना है, तो उसके हिसाब से नमक आप इसमें एडजस्ट करें। और अब इसको ढक देंगे, ग्रेवी में 2 उबाल आ जाए तब तक लो फ्लेम पर इसे ढक कर रख देंगे। तब तक यहाँ पे देखिए मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पर भूना है, रोस्ट कर लिया है, और इसको फिर क्रश कर लेंगे अपने हाथ से ही और ग्रेवी में मिक्स करेंगे। तो ग्रेवी में देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है और जैसे जैसे ये ग्रेवी पकेगी इसमें और अच्छी थिकनेस आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी इस ग्रेवी में नहीं जाएगा, सिर्फ मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी डाला है। ठंडा होने पर यह और थिक हो जाती है। तो ग्रेवी में देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है। अब जो हमने कसूरी मेथी तवे पे थोड़ा सा रोस्ट करा था उसी को ही हाथ से क्रश करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। पहले गरम मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से हाथ से क्रश कर लेंगे और ये कसूरी मेथी ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर ग्रेवी में मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स कर लिया है हमने और ये ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है हमारी। अब इसमें हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे जो हमने ट्रायंगुलर शेप में कट करे थे। पनीर देखिए आप बहुत ज़्यादा उसको बड़े टुकड़ों में ना करें, थोड़े मीडियम ही साइज़ के रखें और बहुत छोटे भी नहीं करने हैं। तो ट्रायंगुलर या क्यूब्स में आप कैसे भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर फ्राइड हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ग्रेवी में, बस ढक देंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाए, बस इतना ही। और ये जब ग्रेवी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब इसमें और अच्छी थिकनेस आ जाएगी। ढक देते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना पनीर टूटने लगेगा। 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए पनीर अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुका है और ये देखिए अभी से ही इसमें थिकनेस बहुत अच्छी आने लग गई है। और जब आप इसे सर्व करेंगे तो और अच्छी ग्रेवी का टेक्स्चर हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा बटर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा तो आता ही है और एक ग्रेवी में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो थोड़ा सा बटर मैंने ऐड कर दिया है और बस ये रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी इस सब्जी का टेक्सचर। ये देखिए ये देखने में ही होटल और रेस्टोरेंट जैसी लग रही है और जब आप इसको ट्राई करेंगे और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। और आपने देखा कि कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं गया है, वही रेगुलर मसाले हैं किचन के और उसी से ही ये हमने रेस्टोरेंट और होटल वाली पनीर बनाकर रेडी किया है। ग्रेवी देखिए बहुत अच्छी लगी बनी है इसकी और इसका पनीर बहुत सॉफ्ट है। हमने इसको फ्राई भी किया है उसके बावजूद भी पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं आपको पनीर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम मुलायम पनीर है।
तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें एक बार, और जब भी आप इसे ट्राई करें इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।